आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही हैं, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। जनता दल यूनाइटेड भले ही 43 सीटों पर सिमट गई, मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार बने हों, लेकिन जिस तरीके से संगठन के तौर पर जनता दल यूनाइटेड रणनीति बना रही है, वो बताता है कि कवायद जो है वो पार्टी को मजबूत करने की है। इसी बीच में जो बड़ा बयान है वो जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और MLC उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को PM मटेरियल बताया है। क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर, पहले आप वो सुने। हम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन PM मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो PM ही हैं, बाकी कई लोग PM मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक PM मटेरियल हैं। आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पर कहना है कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और उनके कार्यकाल पर वो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं हिंदुस्तान में जो PM बनने लायक हैं, और उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी दिल्ली में, उसके बाद संगठन को मजबूत करने के लिए कई जो अहम फैसले हैं वो लिए जा रहे थे। किन मूल मुद्दों के साथ देश और बिहार में सियासत की जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता दल यूनाइटेड आगे अपनी रणनीति में जुटा हुआ है। बात की जाए तो 2024 में लोकसभा चुनाव है, और चुनाव से पहले अगर उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को PM मटेरियल बताते हैं, तो ये संकेत दे रहा है कि जहां विपक्ष कमज़ोर है, जहां नेतृत्व राहुल गांधी का स्वीकारने की न बात कही जा रही है सत्ता के लोगों द्वारा कि राहुल गांधी लोगों को पसंद नहीं है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब जब उपेंद्र कुशवाहा ने PM मटेरियल बताया है, तो ये बताता है कि अगर आने वाले समय में थोड़ी बहुत भी बिहार और देश की जो सियासत है उसमें टर्न आता है, तो विपक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी PM का विपक्षी उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि जो शख्सियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जो उनका कार्यकाल है, इन दोनों चीज़ों पर वो टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावे हिंदुस्तान में कई चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जहां बिहार NDA में लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो देखने को मिल रहा है। बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनके ही सहयोगी दल के जो पार्टी के मंत्री हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव हुआ है जनता दल यूनाइटेड में, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से ये बयान बता रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो PM कैंडिडेट के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी चेहरा आगे बने रहे। फर्स्ट बिहार के साथ खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।